चलिए अब रुक करें खबरों का। राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जोड़तोड़ शुरू कर दी है। अब राज्य की जनता को एक नया गठजोड़ देखने को मिलेगा, जिसमें जेजेपी और बसपा मिलकर विधानसभा चुनाव में भगवा रथ को रोकने का प्रयास करेगी। राज्य में विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी जोड़तोड़ शुरू कर दी है। अब राज्य की जनता को एक और नया गठबंधन देखने को मिलेगा, जिसमें जेजेपी और बसपा मिलकर विधानसभा चुनावों में भगवा रथ को रोकने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे पहले जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, वहीं बसपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उससे पहले बसपा कुछ समय के लिए इनेलो के साथ भी गठबंधन में रह चुकी है। बसपा ने इनेलो से गठबंधन टूटने का मुख्य कारण इनेलो में विघटन बताया था और आज उसी विघटन से निकली एक पार्टी के साथ बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है। हालांकि इन सभी गठबंधनों का लोकसभा चुनाव में बुरी तरह सफाया हो गया था, जिसके बाद सब पार्टियों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली थी। अब जेजेपी और बसपा अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में साथ मिलकर लड़ेंगे। ये असेंबली का चुनाव, असेंबली के चुनाव में अलायंस का पार्टनर अभी तक हमारा कोई बन नहीं रहा है और असेंबली के चुनाव में हम लोग पहली बार अलायंस के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग हमेशा वहाँ पर हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा है, लेकिन अब की बार हम अलायंस के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी जो आपके सामने मौजूद ही हैं, जननायक जनता पार्टी के संरक्षक भी हैं, तो इनके साथ में इस अलायंस के बारे में पहले बहुत हम लोगों ने गूढ़ मंत्रणा की और उसके बाद कई बैठकों के बाद में हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस अलायंस के साथ में जो वहां की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि आप भी अगर अपने दिल से पूछेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि आज हरियाणा में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। राज्य में हुए इस गठबंधन के बाद जो महागठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों को जरूर धक्का लगा है, लेकिन राज्य में बीएसपी का गठबंधन किसी भी राजनीतिक दल के साथ सिर्फ कुछ समय तक ही टिक पाया है। ऐसे में क्या ये गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बन पाएगा? विधानसभा चुनाव में जेजेपी 50 सीटें और बीएसपी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर इकट्ठे लड़ने का काम करेगी और जो आज परिस्थितियाँ प्रदेश की है, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल और जिस तरीके से प्रदेश को आज बांटा गया है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ा गया है, दोनों संगठन मजबूती के साथ हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के इस निर्णय पर पहुंचे। हालांकि कौन सी सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। ये गठबंधन क्या बीजेपी के विजयी रथ को रोक पाएगा, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि राज्य में जो भी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे वो सब बीजेपी से लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी का स्थान रिक्त है। अभी देखो तेल, देखो तेल की धार, देखो महागठबंधन क्या मतलब। लेकिन हम गठबंधन जो होगा, जो समान सोच की पार्टियां हैं, इन लोग हमारी समान सोच की नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। इन लोगों को ठगने का एक तरीका है इन लोगों का। अभी पहले बसपा ने किससे गठबंधन किया था, उसका क्या हश्र हुआ, और जेजेपी ने किससे गठबंधन किया था, उसका क्या हश्र हुआ लोकसभा के चुनाव में, तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला। मतदाता बहुत होशियार है, वो अपना भला और बुरा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। उनको भला मोदी जी, अमित शाह जी मनोरी में नज़र आता है और निश्चित तौर पर इस गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं होगा। लोकसभा की तरह सारे गठबंधन डूब जाएंगे। अब राज्य के तमाम राजनीतिक दल इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करेंगे, उसी को लेकर ये सियासी जोड़तोड़ शुरू की जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में केसरिया रंग पूरे राज्य में छाया हुआ है। बीएसपी और जेजेपी का चुनावी गणित ज्यादातर जातीय समीकरणों पर निर्भर है। क्या ये जातीय समीकरण भगवा समीकरण से पार पा सकेंगे, क्योंकि जेजेपी का उदय हुए कुछ ही महीने हुए हैं।
और वो राज्य में तेजी से अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है। यही हाल बसपा का भी है, उसे राज्य में काफी समय हो गया है लेकिन अब तक अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाई है। अब ये दोनों दल मिलकर राज्य में बीजेपी का विकल्प बनने का प्रयास करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्य की राजनीति में एक और नई पार्टी का उदय होगा, क्या राज्य में जारी भगवा आंधी को रोक पाना संभव है। विनोद लांबा, टोटल न्यूज़।